हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और धनाधन अपनी प्रैक्टिस करिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं अपने चैनल पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ। देखिए, आपको पेडागॉगी में बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने आपके लिए पहले भी EVS की पेडागॉगी कम्प्लीट अपने चैनल पर इस बुक से कराई है। एक नंबर की बुक है, बेहतरीन बुक है। इससे अगर आप पढ़ लोगे तो आपका इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। बहुत अच्छे तरीके से इसमें दिया गया है। मैंने जो भी तैयारी करी है इस बुक से ही तैयारी करी है, तो मैं आपके लिए ये माध्यम बनकर आया हूँ कि आप इन चीज़ों को मेरे माध्यम से अच्छे से पढ़ सको। तो देखिए, आपकी EVS की पेडागॉगी मैंने थ्योरी कंप्लीट करा दी है, क्वेश्चन मैं बीच बीच में आपको करा रहा हूँ। आज से मैं अपने चैनल पर हिंदी पेडागॉगी स्टार्ट करूँगा। लगभग 10 से 15 दिनों में कंप्लीट टॉपिक कर लेंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक होगा भाषा बालक व भाषा शिक्षण। देखिए, इस पूरे टॉपिक को आपको देखना है, जितना भी समय इसमें लगे इसको जरूर देखिएगा। आपको हिंदी पेडागॉगी में 90 नंबर, अगर 15 नंबर का बात है तो 15 नंबर में दोस्तों आपको 7 टॉपिक लगभग पढ़ने होंगे और आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं आपके लिए आज पहला इसमें टॉपिक लेकर आया हूँ जिसपे हम भाषा बालक और भाषा शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे। और इसकी आज ही प्रैक्टिस आपकी रात 9:30 बजे हो जाएगी, इस टॉपिक की क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो वहाँ पे लाइव आना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है मैं बता देता हूँ। देखिए, इसमें हम भाषा के बारे में जानेंगे, भाषा का महत्व समझेंगे, विविध रूप समझेंगे, त्रिभाषा सूत्र व उसका संवैधानिक प्रावधान समझेंगे, फिर अलग से त्रिभाषा सूत्र के बारे में जानेंगे, भाषा अर्जन के बारे में जानेंगे, अधिगम के बारे में जानेंगे, भाषा एवं बालक के बारे में जानेंगे और रात 9:30 बजे इनके आए हुए अभी तक सारे क्वेश्चन के क्या करेंगे, पेपर वन या पेपर टू में जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं उसका लाइव टेस्ट करेंगे। तो आपको पूरा वीडियो मेरे साथ देखना है, बस मेरी बातें सुननी है, जो यहाँ पे लिखा है उसको थोड़ा सा पढ़ लेना है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि अधिकांश लोग भाषा को केवल संप्रेषण का माध्यम मानते हैं, मतलब बातचीत का माध्यम मानते हैं, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में भाषा की भूमिका को ठीक से समझने के लिए हमें समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करी जाए तो भाषा को ठीक से समझने के लिए हमें कैसा दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, तो हमें समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। फिर आप बात करेंगे कि भाषा का हमारे जीवन में घनिष्ठ संबंध है। आप सभी को पता है, अब भाषा ना होती तो मैं आपको कैसे पढ़ाता, मैं आपको कैसे समझाता। तो भाषा का हमारे जीवन में क्या है, एक घनिष्ठ संबंध है। आगे हम अगर बात करते हैं, कहते हैं भाषा के अंदर एक शक्ति है। क्या है? भाषा के अंदर एक शक्ति है जिसके प्रयोग से मानवीय व्यक्तित्व के अंदर एक निखार आता है। भाई, जितना अच्छा इंसान बोलना चाहेगा, जितना अच्छा बोलना जानेगा, जिसका जितनी पकड़ भाषा पे जितनी अच्छी होगी, क्या होगा उसके मानवीय व्यक्तित्व जो होगा वो निखर कर बाहर आएगा। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है कि भाषा के अंदर एक शक्ति है जिसके प्रयोग से मानवीय व्यक्तित्व के अंदर एक क्या आता है, निखार आता है। अब हम बात करेंगे आगे, कहता है अतः हमें भाषा को एक बहुआयामी स्थिति में रखकर इसकी पड़ताल करनी होगी, इसकी जानकारी करनी होगी, जो हम इस चैप्टर में करेंगे। कहते हैं प्राचीन काल से ही भाषा को परिभाषित करने की क्या हो रही है, कोशिशें चल रही हैं, कोशिशें की जाती हैं। अब यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम आपके सामने आ रहा है, प्लूटो। तो प्लूटो के अनुसार दोस्तों, प्लेटो के अनुसार अगर हम बात करते हैं, प्लूटो नहीं, प्लेटो के अनुसार अगर हम बात करते हैं, विचार और भाषा में क्या है, थोड़ा ही अंतर है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके अनुसार विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है, या फिर डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा कि प्लेटो के अनुसार 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, उसमें विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है, ये बात आपको वहां पे याद रखनी है। कहते हैं विचार आत्मा की मूक बातचीत है। जो आपके विचार होते हैं वो आप अपनी, जो आप आंतरिक रूप से कुछ सोचते हो, अपनी आत्मा से क्या करते हो, बिना भाषा बिना बोले हुए बातचीत करते हो, तो यही यहाँ बात बोली जा रही है कि जो विचार है वो आत्मा की क्या है, मूक बातचीत है। कैसी बातचीत है? मूक बातचीत है। कहते हैं पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर ओठों से प्रकट होती है, मतलब जब उसमें ध्वनि जुड़ जाती है और अपने ओठों से वो विचार क्या होते हैं, प्रकट होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। जैसे मन में मैंने सोचा कि मैं क्या करूंगा, मैं आपको हिंदी पेडागॉजी की क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, तो ये बात मैंने अपने मन में खुद सोची, अपने आप से मैंने मूक तरीके से बातचीत करी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको हिंदी पेडागॉजी की क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो जो मैंने सोचा
मेरे मन में जो जो चीजें हैं इसके बारे में, वो ध्वनि के माध्यम से, मेरे ओठों के माध्यम से आपके सामने आ रही हैं, भाषा के माध्यम से सामने आ रही हैं। तो यहाँ पे इस चीज को बताया गया। कहते हैं वही एक बाबूराम सक्सेना जी हैं, उनका मानना है कि जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं। क्या करते हैं? जो मनुष्य होते हैं आपस में विचार विनिमय करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत प्रणाली को क्या कहा है, भाषा कहा है? किसने? बाबूराम सक्सेना जी ने कहा। कहते हैं कि भारतीय परंपरा के अनुसार भाषा बोलना है। भारतीय परंपरा के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो भाषा क्या है? भाषा बोलना है, लेखन नहीं है। क्या? भाषा को केवल बोलना माना जाता है, लेखन नहीं है। कहते हैं संज्ञान है महज बातचीत का माध्यम नहीं। ये कैसा है? ये एक भाषा एक संज्ञान है, केवल बातचीत का माध्यम नहीं है, और एक रचनावादी तंत्र है। कैसा तंत्र है? रचनावादी तंत्र है, केवल प्रस्तुतिकरण नहीं है। तो इतना तो भाषा के बारे में थोड़ी सी बातें लिखी थी जो आपके माइंड में थोड़ी सी होनी चाहिए। फिर आगे अगर हम बात करते हैं तो भाषा के महत्व के बारे में यहाँ बात करेंगे। लिखा है कि भाषा समाज की उन्नति का कारण भाषा ही है, सॉरी मानव समाज की उन्नति का जो कारण है वो भाषा ही है। बहुत सही बात है। कहते हैं भाषा में कई कल्पना परक तत्व भी मौजूद होते हैं, जैसे कि गद्य, पद्य और नाटक, जो हमारी भाषिक संवेदना को धार प्रदान करते हैं, साथ साथ हमारे जीवन के सौंदर्य परक पहलू को समृद्ध करते हैं। तो फिर से इस बात को मैं रिपीट करूंगा कि मानव समाज की उन्नति का कारण क्या है? भाषा ही है। भाषा में कई कल्पना परक तत्व मौजूद होते हैं। गद्य, पद्य और नाटक हमारी भाषिक संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के सौंदर्य पहलू को समृद्ध करते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, कहते हैं साथ ही या हमारे पढ़ने लिखने की क्षमता के स्तर को भी उठाते हैं। ये तो आपको पता ही है, भाषा के बिना हमारे पास पढ़ना लिखना कैसे होगा। तो कहते हैं भाषा, जो भाषा का महत्व है या भाषा जो है हमारे पढ़ने लिखने की क्षमता के स्तर को भी ऊंचा उठाते हैं। आगे अगर बात करते हैं, कहते हैं कि मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों को पूर्ण करने में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती। अब ये बात किसको नहीं पता, ये बात सभी को पता है, आपको भी पता है, बस आपको क्या करना है, रिकॉल करना है इसको, कि मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों को पूर्ण करने में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आगे लिखा है भाषा के महत्व व कार्य को निम्न बिंदुओं द्वारा भली भांति समझा जा सकता है। अब भाषा के बहुत सारे कार्य हैं, भाषा के बहुत सारे बिंदु हैं जिनको हम आगे समझेंगे। क्या क्या समझना है, आ जाओ यहाँ पे। सबसे पहले कहते हैं भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में भाषा का बहुत महत्व है। जो विचारों का आदान प्रदान करते हो उसका साधन कौन बनता है? उसका साधन बनती है भाषा। तो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अब कहते हैं भाषा भी मानो मुखोच्चरित, मतलब मुख से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। ये तो आप समझ गए, जो मुख से आप उच्चारण करते हो, जो ध्वनियों का उच्चारण करते हो, जो ध्वनि के प्रतीक हैं उसकी जो व्यवस्था है वही क्या है? भाषा है। जिसके सहारे समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। प्राकृण भाषा भाव अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। जो अपने भाव को अभिव्यक्त करते हो उसका भी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माध्यम है वो भाषा ही है। कुल मिला के भाषा के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो कि भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ये बात आप समझ गए, बिना भाषा के आप अच्छे से अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते हो, अपने भावों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हो, है ना। तो चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। कहते हैं भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में भी महत्वपूर्ण है। भाई आपका जो सामाजिक जीवन है अगर भाषा नहीं होगी तो उतना ज़्यादा सार्थक नहीं होगा। तो भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं मनुष्य एक कैसा प्राणी है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए भाषा के माध्यम से ही वह समाज के सदस्यों के साथ एक सूत्र में क्या है? बंधता है।
कहते हैं कि समाज में रहते हुए भाषा के माध्यम से ही वह समाज के सदस्यों के साथ एक सूत्र में बंधता है। समाज में जब वो रहता है तो भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से समाज के सदस्यों के साथ वह एक सूत्र में बंधता है। तो आप समझ गए कि भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं, भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में भी महत्वपूर्ण है। देखिए, भाषा की जो अलौकिक देन के कारण ही हम जीव जगत, लोक, माया, भ्रम, परलोक, प्रकृति, पुरुष आदि गंभीर विषयों का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। इन सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त करना हम क्यों, कैसे ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं? भाषा की अलौकिक देन की वजह से। भाषा एक अलौकिक देन है। कहते हैं, भाषा ही वह साधन है जो शिक्षा, साहित्य और प्रशासनिक कार्यों के संपादन के सशक्त माध्यम के रूप में कार्य करती है। ये बात भी सही है। तो भाई, भाषा जो है वो ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में बड़ा महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। आगे कहते हैं कि भाषा जो है वो साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में सहायक रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं, साहित्यिक व कलागत विविधताओं, गद्य पद्य, चित्रकला, संगीत आदि के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। ये बात तो सभी को पता है, इन सभी के लिए भाषा की आवश्यकता होगी। कहते हैं, भाषा में जो मौजूद रस हैं, छंद हैं, अलंकार हैं आदि भाषा के कला पक्ष को क्या करते हैं? अलंकृत करते हैं, उसकी शोभा बढ़ाते हैं। कहते हैं, भाषा की इसी सांस्कृतिक शक्ति के कारण ही रामधारी सिंह दिनकर और मैथिली शरण गुप्त सरीखे या मैथिली शरण गुप्त जैसे साहित्यकारों ने क्या किया? देश प्रेम से ओतप्रोत गद्य और पद्य द्वारा जनमानस में अंग्रेजी दास्ता के विरुद्ध स्वतंत्रता प्रेम का बीजारोपण किया। इसके अलावा अब हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों भाषा के कुछ विविध रूपों को, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। भाषा के विविध रूपों की अगर बात करते हैं, कहते हैं, भारतीय संस्कृति के संदर्भ में भाषा के क्या हैं? भाषा के विविध रूप हैं। भारतीय संस्कृति के संदर्भ में जो भाषा है उस भाषा के क्या हैं भाई? भाषा के विविध रूप हैं। इन्हीं रूपों के माध्यम से, कहता है, इन्हीं रूपों के माध्यम से हिंदी के स्थान का ठीक से निश्चय किया जा सकता है। देखो, भारतीय संस्कृति के संदर्भ में भाषा के बहुत सारे रूप हैं, इन्हीं रूपों के माध्यम से हिंदी के स्थान का ठीक से निश्चय किया जा सकता है। भाषा के कुछ रूपों का वर्णन आपको नीचे दिया गया है, उनको पढ़ेंगे। चलिए, पहला है मातृभाषा। जानिए मातृभाषा क्या होती है? देखो, कहते हैं, भाषा का पहला रूप जो होता है वो मातृभाषा कहलाता है। याद रखिएगा, भाषा का पहला रूप क्या कहलाता है? भाषा का पहला रूप मातृभाषा कहलाता है। कहते हैं, जिसका अर्थ क्या है? माँ से ग्रहण की हुई भाषा। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है माँ से ग्रहण की हुई भाषा। कहते हैं, माँ की संकल्पना भारतीय संस्कृत में विशाल रूप में देखी जाती है। बिल्कुल सही बात है। कहते हैं, जननी जन्म भूमिश्च का संबोधन माँ के लिए किया जाता है, अर्थात जन्मभूमि से ग्रहण की गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। तो यहाँ पे मातृभाषा के बारे में आपसे बताया गया है कि भाषा का पहला रूप मातृभाषा कहलाता है, जिसका अर्थ माँ से ग्रहण की हुई भाषा है, माँ की संकल्पना भारतीय संस्कृत में विशाल रूप से देखी जाती है, जननी जन्मभूमिश्च का संबोधन माँ के लिए किया जाता है, इसका मतलब है जन्मभूमि से ग्रहण की गई मातृभाषा, जो जन्मभूमि से ग्रहण की गई भाषा होती है वो मातृभाषा कहलाती है। फिर आगे हम बात करते हैं, कुछ व्यक्ति हैं, कहते हैं, बैलार्ड ने घर की बोली को माता की भाषा और समाज द्वारा स्वीकृत भाषा को मातृभाषा कहा है। गांधी जी ने सन 1917 में मातृभाषा के अनादर का क्या किया? विरोध करते हुए कहा था कि माँ के दूध के साथ जो संस्कार और मीठे शब्द मिलते हैं, उनके और पाठशाला के बीच जो संबंध होना चाहिए, वह विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने में टूट जाता है। जो विदेशी भाषाओं का ज्ञान दिया जाता है, क्या किया जाता है? माध्यम से शिक्षा में क्या होता है? टूट जाता है। क्या टूट जाता है? जो माँ के द्वारा दूध के साथ संस्कार और मीठे शब्द मिलते हैं, उन शब्दों के द्वारा पाठशाला और बच्चे के बीच का जो संबंध जोड़ना चाहिए वो क्यों टूट रहा है? क्योंकि विदेशी भाषा का ज्ञान दिया जा रहा है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। कहते हैं, यदि हमें मातृभाषा की परिभाषा देनी है तो हम यह कह सकते हैं
हम यह कह सकते हैं कि मातृभाषा वह परिनिष्ठित भाषा है जो कि क्षेत्र विशेष में समाज द्वारा स्वीकृत और दिन प्रतिदिन के सामाजिक कार्यों को सुगमता से संपन्न करने में सहायक है। ठीक है, तो मातृभाषा वह परिनिष्ठित भाषा है जो क्षेत्र विशेष में समाज द्वारा स्वीकृत की जाती है और दिन प्रतिदिन के सामाजिक कार्यों को सुगमता से संपन्न करने में सहायक होती है। रायबर्न ने कहा है, मातृभाषा हर्ष, आनंद और ज्ञान का तत्क्षण साधन और स्रोत है, भावों एवं अभिरुचियों का परिचालक है तथा सृजनात्मक शक्तियों का साधन है। तो इस बात में भाषा के बारे में बातें की गई हैं। अब राष्ट्रभाषा के बारे में बात करते हैं। कहते हैं जो भाषा पूरे देश में बोली जाती है एवं राज काज के सभी कार्यों के रूप में प्रकट की जाती है वह राष्ट्रभाषा कहलाती। कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है? जो पूरे देश में बोली जाती है एवं राज काज के सभी कार्यों में एक रूप से प्रयोग की जाती है वही राष्ट्रभाषा कहलाती है। कहते हैं भाषा के संदर्भ में हम किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे सकते हैं। जो भारत है, भारत के संदर्भ में हम किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे सकते हैं। कहते हैं संसार के बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ एक ही भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, वहाँ की जनता की मातृभाषा एक ही होती है, साथ ही उसी भाषा को उस देश की राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। परंतु भारत जैसे देश में जो कि बहुभाषी देश है वहाँ यह आवश्यक नहीं है कि पूरे देश की जनता एक ही भाषा में वैचारिक विनिमय करे। भारत के संविधान में भी हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों भाषा शिक्षण का महत्व एवं आवश्यकता। भाषा शिक्षण का महत्व क्यों है, भाषा शिक्षण की क्यों आवश्यकता पड़ी, इसके बारे में बात करेंगे। कहते हैं जैसा कि हम जान चुके हैं कि भाषा संप्रेषण का क्या है, परम साधन है, और बालक एक भाषिक क्षमता के साथ क्या होता है, जन्म लेता है। अतः बालक की भाषा को समाज द्वारा व्यवस्थित एवं स्वीकार ढांचे में ढालने के लिए भाषा शिक्षण की आवश्यकता है। मतलब जो बच्चा है वो भाषा क्षमता के साथ पैदा होता है, जन्म होता है, लेकिन जो बालक की भाषा है वो समाज के द्वारा व्यवस्थित एवं स्वीकार ढांचे में ढालने के लिए भाषा शिक्षण की भी आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त भाषा शिक्षण के कुछ निम्न कारण हैं। क्यों भाषा शिक्षण की आवश्यकता होती है यहाँ पे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ज्ञानात्मक कारण की वजह से। कहते हैं भाषा शिक्षण के द्वारा ही हम विभिन्न भाषिक तत्वों और साहित्यिक प्रवृत्तियों का बोध करा सकते हैं। देखो भाषा शिक्षण जब होगा, भाषा शिक्षण के द्वारा ही विभिन्न भाषिक तत्वों और साहित्यिक प्रवृत्तियों का बोध किया जा सकता है, इसलिए भाषा शिक्षण जो है वो ज्ञानात्मक कारण के लिए क्या है, आवश्यक है। कहते हैं इसका एक कौशलात्मक कारण भी है। भाषा के सभी कौशल जैसे कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भाषा के कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना में दक्षता प्राप्त करने के लिए भी क्या आवश्यक है, भाषा शिक्षण अनिवार्य है। आगे रचनात्मकता की बात करते हैं। कहते हैं विभिन्न साहित्यिक विधाओं के रसवादन के लिए, मतलब जो साहित्यिक विधाएं हैं उनका आनंद लेने के लिए तथा लेखक के जो सूक्ष्म भाव हैं और विचार हैं उसका आनंद लेने के लिए या उसकी रसानुभूति करने के लिए भी भाषा शिक्षण क्या आवश्यक है, समझ में भी तो आनी चाहिए ना चीजें, तो भाषा शिक्षण जो है आपका रचनात्मकता के लिए भी क्या है, महत्वपूर्ण है। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये सृजनात्मकता के लिए भी महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि सृजनात्मकता भाषा शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सृजनात्मकता है महत्वपूर्ण उद्देश्य भाषा शिक्षण का। लेखन कार्य में मौलिकता और प्रभाव उत्पादकता के लिए भाषा शिक्षण की व्यवस्था आवश्यक है। तो भाषा शिक्षण जो है वो सृजनात्मकता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक कुछ कारण देख लेते हैं। कहते हैं भाषा सीखने की प्रक्रिया को लेकर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए हैं। पहले जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे। इनके अनुसार बालक के भाषा सीखने में उसके संज्ञानात्मक विकास का क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों में बालक की भाषिक क्षमता प्रभावित होती है। वह चार चरणों से होकर गुजरती है। जो पियाजे हैं उन्होंने, आपको पता है, विकास की अवस्थाओं को चार अवस्थाओं में बांटा है विकास को। पहली अवस्था उन्होंने संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष कहा है,
जिसमें बालक वस्तुओं की अपेक्षा चिन्हों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 0 से नहीं, ये 2 से 7 वर्ष यहाँ होना चाहिए, 2 से 7 वर्ष। उसमें बालक स्वयं से बातचीत करते हुए टूटी फूटी भाषा का उपयोग करने लगता है, जिसे जीन प्याजे बालक की अहम केंद्रता कहते हैं, जबकि वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की भी आगे आप देखना, बाकी मैं आपको बहुत बार बता भी चुका हूँ, आपके माइंड में यहीं पे चुभने लगना चाहिए कि आखिर कहते क्या है। और इसे अपरिपक्व संज्ञानात्मक विकास का प्रतिफल कहते हैं, तो ये जीन प्याजे के अकॉर्डिंग था। आगे नॉम चॉम्स्की के बारे में आपने सुना होगा, नॉम चॉम्स्की जो है, नॉम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग कहते हैं कि प्रत्येक बालक जो है वो भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है। इनके अनुसार मस्तिष्क में एक यंत्र होता है जिसको लैड इन्होंने बोला है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण के संबंध में है, जिसे समझने के लिए लैड हमारी सहायता करता है। लैड मानव मात्र में ही पाया जाता है और इसका संक्रमण काल जीवन के प्रथम 5 वर्ष होता है। फिर लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इनका मानना है कि बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए अनुकरण से सीखता है। ठीक है, इन्होंने परिवेश को बहुत महत्व दिया है, कहते हैं पियाजे द्वारा बताई गई अहम, जबकि यहाँ पे अनुकरण केवल अनुकरण बोले तो मत करिएगा जब तक परिवेश शब्द नहीं यूज करें, कहते हैं पियाजे द्वारा बताई गई अहम केंद्रित भाषा को लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, प्राइवेट स्पीच बोला है, निजी भाषा कहते हैं। और साथ यह भी कहते हैं कि निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में क्या होती है, सहायक होती है। भाषा इन्होंने कहा है पहले आई है, विचार बाद में आए हैं, तो यही बात यहाँ बोल रहे हैं कि भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। फिर आगे हम बात करते हैं त्रिभाषा सूत्र, देखिए दोस्तों क्या है या उसका संवैधानिक प्रावधान क्या है। देखिए भारतीय संविधान के धारा 343 फर्स्ट के अनुसार कहते हैं भारत की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। इसके अतिरिक्त यहाँ पे अनुच्छेद 343 का फर्स्ट, भाषा की राजभाषा देवनागरी लिपि में क्या होगी, हिंदी होगी। कौन सी भाषा, राजभाषा। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि हिंदी भाषा का इस तरह विकास व प्रोत्साहन दिया जाए ताकि भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्ति प्रदान करने का माध्यम बन सके। फिर अनुच्छेद 343 के सेकेंड की बात करते हैं तो इसके अनुसार कहते हैं सभी कार्यों के संपादन है तो अंग्रेजी को 15 वर्षों तक प्रयोग करने की बात कही गई है। 1965 तक आते आते दक्षिण भारत में भाषा को लेकर विवाद और दंगे फसाद हुए, इससे इसे यह पता चला कि अंग्रेजी भाषा को पूर्णतः खत्म नहीं किया जा सकता है, अतः हिंदी भाषा तब से लेकर अब तक भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी। ठीक है, भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की राजभाषा है। बहुत से लोग हैं जो हिंदी को नहीं जानते, हिंदी नहीं बोल पाते हैं, तो राष्ट्रभाषा बनाना सही नहीं रहेगा। त्रिभाषा सूत्र आप देखिए क्या है, कहते हैं 1964 से 1966 में कोठारी कमीशन द्वारा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना को राष्ट्र के समक्ष रखा गया। कहते हैं इसके बाद से 1968 ईस्वी में शिक्षा नीति के अनुसार त्रिभाषा सूत्र के लिए कुछ सिफारिशें की गई, जैसे कि कौन कौन सिफारिश की गई। पहली सिफारिश की गई कि विद्यालय में पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या जो भी उस बच्चे की क्षेत्रीय भाषा हो उसको पढ़ाया जाए। फिर कहते हैं द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी, अब जैसे क्षेत्रीय भाषा उसकी हिंदी नहीं है तो द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्यों कोई भी आधुनिक भाषा या अंग्रेजी और गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। जो ऐसे बच्चे हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है तो उनको हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाए, और ऐसे बच्चे जो हिंदी भाषी राज्यों के हैं वो आधुनिक भारतीय भाषा, कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा मतलब हिंदी के अलावा, या फिर अंग्रेजी को क्या कर सकते हैं, द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये दो बातें कही गई। इसके अलावा कहा गया तृतीय भाषा के बारे में, तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी, जिनकी हिंदी भाषा मातृभाषा है और जिनकी नहीं है, दोनों राज्यों में अंग्रेजी या कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में ना, मतलब तृतीय भाषा उसे बना सकते, जैसे एक बच्चा हिंदी भाषा क्षेत्र का है तो वो हिंदी उसकी मातृभाषा है, द्वितीय भाषा में वो जैसे अंग्रेजी पढ़ रहा है तो तीसरी भाषा में, अब इन दोनों भाषा में कोई भाषा नहीं होगी, कोई अलग से भाषा होगी। तो ये आपका तृतीय भाषा के बारे में बताया गया। कहते हैं 1968 की शिक्षा नीति को 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दोहराया गया और इसका संशोधित रूप 1992 की कार्यकारी योजना में भी देखा गया। अब यहाँ पे भाषा अर्जन और अधिगम के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए जो भाषा अर्जन है, कहते हैं जब किसी भाषा को बिना किसी व्यवस्थित शिक्षण
प्रणाली, इसमें किसी नियम कानून की जरूरत नहीं होती है। जब किसी भाषा को किसी व्यवस्थित शिक्षण प्रणाली के सहज रूप से सीखा जाता है वह भाषा अर्जन कहलाता है। कहते हैं भाषा अर्जन की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं, आप देख सकते हो, भाषा अर्जन मानव मस्तिष्क की जन्मजात क्षमता द्वारा होता है, ठीक है। अधिगम किसी भी भाषा का अर्जन उसके सहज वातावरण से करता है, जो अधिगम करता होता है वो किसी भी भाषा का जो अर्जन करता है उसके सहज आसपास के वातावरण से करता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कहा गया है कि भाषा अर्जन जो होती है वो कैसी प्रक्रिया है, अचेतन प्रक्रिया है, इसके लिए कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती, नियम कानून की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा कह रहा है भाषा अर्जन यदि परिचित परिस्थितियों में हो तो और अधिक प्रभावशाली होता है, मतलब भाषा अर्जन कैसी परिस्थितियों में हो, परिचित परिस्थितियों में हो। कहते हैं भाषा अर्जन मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा से संबद्ध रखता है, जो आपका भाषा अर्जन होता है वो बच्चा अपनी मातृभाषा से या क्षेत्रीय भाषा से क्या करता है, सीखता है, भाषा का अर्जन करता है, तो ये इन दोनों से संबद्ध रहता है। आगे हम बात करेंगे भाषा अधिगम की। देखो जब किसी भाषा को यहाँ पे व्यवस्थित शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा सीखा जाता है तब उसे भाषा अधिगम कहते हैं। कहते हैं भाषा अधिगम के लिए कौशलों का प्रयोग एवं अभ्यास क्या है, अनिवार्य है। कहते हैं भाषा अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है, अचेतन नहीं है, चेतन प्रक्रिया है, सार्थक परिस्थितियों में यह प्रक्रिया और अधिक प्रभावशाली हो जाती है। इसके अलावा कह रहे हैं कि भाषा अधिगम के लिए हमें विशेष परिस्थितियों का निर्माण करना पड़ता है ताकि अधिगमकर्ता की रुचि भाषा सीखने में बनी रहे। कहते हैं भाषा अधिगम द्वितीय तृतीय भाषा के सीखने से संबंध रखता है, याद रखिएगा इसमें नियम कानून चलते हैं। भाषा अर्जन जो होता है वो मातृभाषा से रिलेट करता है लेकिन ये द्वितीय और तृतीय भाषा से रिलेट करता है। आगे बात करते हैं दोस्तों भाषा एवं बालक की। देखिए कहते हैं मनुष्य जन्म के बाद अपने समाज का सार्थक सदस्य बनने के लिए सबसे पहले भाषा रूपी साधन को ही क्या करता है, अपनाता है। 2 वर्ष की अवधि तक वह रोने हंसने के विभिन्न तरीकों एवं वाक्य तंत्र से निकली विभिन्न ध्वनियों के माध्यम से संप्रेषण करने का प्रयास करता है। सभी बालक 3 वर्ष की आयु से पहले ही अपने भाषा के मूल और तथा उपतंत्रों से भली बात परिचित हो जाते हैं। वे केवल भाषिक ही नहीं बल्कि संप्रेषण की दक्षता भी ग्रहण कर लेते हैं। चॉम्स्की के अकॉर्डिंग कहा गया है सामान्यतः एक बच्चा एक सामान्य भाषाई जगत के संपर्क के अतिरिक्त अंतर्निहित भाषाई क्षमता के साथ ही जन्म लेता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कहते हैं यह जानकारी कि व्यक्ति में एक जन्मजात भाषिक क्षमता होती है दो शिक्षा शास्त्री पहलू सामने रखती हैं। पर्याप्त अवसर मिले तो बच्चा नई भाषा को, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर बच्चे को पर्याप्त अवसर मिले तो वह नई भाषाओं को आसानी से सीखेगा और शिक्षण का फोकस व्याकरण पर ना होकर विषय वस्तु पर होना चाहिए। जो भाषा शिक्षण का फोकस हो ऐसा नहीं केवल व्याकरण सिखाने में हो, क्या हो, विषय वस्तु पर भी होना चाहिए। तो ये आपका था, तो दोस्तों यहाँ से आपका ये पहला टॉपिक जो होता है वो समाप्त होता है। तो इसी तरीके से आप एक बार क्या करिए इन सभी टॉपिक को वीडियो से देख लीजिए और उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो मैं कंप्लीट आपकी हिंदी पैडागॉजी की प्रैक्टिस अब लगातार आपको अपने चैनल पर कराऊंगा जब तक ये आपके कंप्लीट समाप्त नहीं हो जाती। तो आज रात 9:30 बजे मैं अपने चैनल पर हिंदी पैडागॉजी के यही वाले टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर 1 पेपर 2 में पूछे गए हैं या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो इस बुक में दिए गए हैं सारे के सारे मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। उनका लाइव टेस्ट करिएगा, उसके पहले इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को चैनल के पर के बारे में बताइए जो सीटेट 2022 की तैयारी में लगे हुए हैं या अभी तक उन्होंने पास नहीं कर पाए हैं एक बार भी एग्ज़ाम, फेल हो चुके हैं या पहली बार जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आप सभी का धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसी तरीके से कंप्लीट हिंदी पैडागॉजी के वीडियोस का वेट करिए, मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा।